बिल्कुल टेंशन नहीं है, आज हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मॉड्यूल लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पास हमने करना नहीं है, टेंशन लेके फायदा। समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं, सुना देना जो आता है वही सुना यार, टेंशन नहीं है। आते ही तो कुछ नहीं है यार, वुड यू बिलीव कि मैं ना आज अपने घर बात कर रहा था, मैंने बोला मतलब घर वाले बोल रहे थे कि यहाँ पर लाइट जा रही है घंटे घंटे बाद, मैंने कहा हमारी तो लाइट जाती नहीं है, कैसी दुकान है मेरी, आज लाइट चली गई, सीढ़ियों का रास्ता लेना पड़ रहा है आज, खत्म नहीं होती भाई। लाइट तो गई गई, आज हमारा पानी भी चला गया, वो भी ठंडे वाला, गर्म पहले नहीं आता था, ठंडा भी बंद हो गया, फिर उसामा नवाज दी मुगल ने जाके आज गर्म पानी ऑन कर दिया, पता नहीं कैसे, ये प्लम्बर का काम करता रहा पाकिस्तान में वैसे ना, तो इसने गर्म पानी चला दिया, तो नहा धो के जो है वो तैयार हो गए, वरना आज बगैर मुँह धोए जाना था। वैसे मुँह धो या ना धो मेरा तो ऐसे ही लगता है, मेरा पीछे आप देख सकते हो ये लोग लाइट ठीक कर रहे हैं, इसलिए लाइट गई है हमारी, हमारी नहीं पूरी 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 जगह की गई है, पूरी सोसाइटी की। हेलो आ जाओ। ओह तो भाई आज हमारा मॉड्यूल था एक क्या कहते हैं उसको इंटरनल इलनेस का, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, अब कैसा हुआ वो पता नहीं, बस पास हो जाएंगे इतना पता है। सर ये कि अभी जो है ना मैसेज आया कि आप लोग अपने पासिस कलेक्ट कर लें आकर, मतलब पूरे ग्रुप ग्रुप के, क्योंकि मैं लीडर हूँ। हाँ जी मैं लीडर हूँ, गलती से मेरे भाई का मैसेज आया बल्कि लीडर कौन, मतलब उसको यकीन नहीं है कि यार आई कैन बी लीडर, मतलब लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर, लेकिन मानते घर वाले नहीं मानते तो बाहर वाले क्या मानेंगे यार। मेरे ग्रुप वाले भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आवाम अच्छी होगी तो हुक्मरान अच्छा होगा, और मैं हुक्मरान तो कोई नहीं हूँ खैर, लेकिन बात ऐसी एक प्रोमिनेंट बंदा तो होता है ना, तो ग्रुप के बंदे अच्छे तो ग्रुप का बंदा ये वाला भी अच्छा। बाकी अभी जो है वो हमें मैसेज आया है कि आप लोग आकर ना कलेक्ट कर लें अपने पासिस ईद मिलन पार्टी के लिए, जो कि हमारी मंडे को है, और तो उसके पासिस वगैरह। अब मेरी बात सुनो यार, हमें मैसेज आया कि कलेक्ट कर लो आके, अब हम जा रहे हैं कलेक्ट करने तो वो दे नहीं रहे, मतलब कि कह रहे हैं जी बंदा नहीं आया। अभी बंदे को मैंने कॉल की तो कहता मैं तो आया हूँ, अब बंदा नहीं मिल रहा, क्या यार मतलब ये थोड़ा इस तरह करो ना भाई, ऐसे तो नहीं चलता ना। लेक्चर एक लेक्चर है बस वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कल हमारा सिर्फ एक लेक्चर है, मतलब एक क्लास दो एक्चुअली, खैर बस कल का दिन है, कल के बाद हम लोग फ्री हैं तकरीबन 12 दिन। ओए 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 12 दिन हम होंगे और बिस्तर होगा और आराम से सोएंगे, नींद पूरी करेंगे बस। ये हैं जी हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा मोस्ट हैंडसम मोस्ट एलिजिबल बैचलर, तो ये तो मैं कहता हूँ हर दिल की पसंद, फरमान पसंद, फरमान बहुत सोने लग रहे हो आज आप। लेकिन एक बात बताऊँ मुझसे कम ही लग रहे हो, पार्टी में शायद ला रहे हैं पास लेने को आए, ओके पास ले लेते हैं यार, देगा तो लेंगे ना। मैम वेट कर रही है, मेरा अकेले का वेट नहीं कर रही है, मेरा भी कर रही है, मतलब लेक्चर के लिए यार। बंदा जो है ना ये वाला बंदा, ये घर जा रहा था, तूने क्लास नहीं लेनी होती है, तूने क्लास नहीं लेनी होती, जा रहा हूँ यार, क्लास जा रहा हूँ यार। अब से तकरीबन एक घंटा पहले मैसेज आया था कि प्लीज़ आएँ और अपने जो है ना पासिस अपने ग्रुप के कलेक्ट कर लें, तमाम लीडर्स को बोला, 6th semester वालों को, तो यार एक घंटा हो गया अभी तक पास कोई नहीं मिला, मैं तो यहाँ पे आके जो है ना वो लेट गया, क्योंकि रोज़ा भी है, क्लास मेरी कोई है नहीं, अब मैं घर जाऊँ फिर वापस आऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता ना। देखो अब छोटी छोटी बातें ना, मैं अगर कोई देख रहा है, वैसे तो वो देखता नहीं, लेकिन अगर कोई देख रहा है इनमें से तो भाई मेरी बात सुनो, माना कि यार आप लोगों ने पहले 4th semester वालों को देना था, 5th वालों को देना था, तो यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फिर 6th वालों को भी साथ ही बुला लो। देखो अगर आपने पहले जूनियर्स को देने हैं पास, तो आप जूनियर्स को पास दे लें, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन ये मैसेज करना कि जल्दी आएँ पास ले लें, ये तो गलत बात है कि नहीं, आप खुद बताएं, आप ज़रा ध्यान से सोचिएगा इस बारे में कि भाई जब आप लोगों ने पास उस वक्त देना ही नहीं है तो फिर बुला क्यों रहे हो, पूरा एक घंटा यकीन करो पर खड़ा होकर। वैसे रोज़ है मैं कमर में दर्द हो जाती है यार बंदा, खैर छोड़ो जी। तो सर ये पासेज वगैरह मिल चुके हैं, हम इसे पूरे ग्रुप को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनके साइन लेने हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या करना है। अभी जब मैं ऊपर गया तो मुझे पता लगा कि यार मैनेजमेंट भी जो है वो वैसे वेली नहीं बैठी, वो भी काम कर रही है, तो मैं जो अपने अल्फाज की सख्ती है उनको नरम करना चाहूँगा, लेकिन जो 1.5 घंटा लगा वो वहीं का वहीं है यार, मतलब उसको किसी ना किसी तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, कर सकते थे, बस यही बात है। बाकी मेरे पास कुछ और बोलने के लिए है नहीं, तो ये मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट ठीक है, आप लोगों ने बुरा नहीं माना, अगर कोई मैनेजमेंट में से देख रहा है तो, वैसे मेरा निखिल को देखता है, लेकिन फिर भी बाई चांस। शुक्र है यार लाइट आ रही है, खुल जा सेम सेम, मैंने कहा यार शुक्र है लाइट आ रही है, वरना जब कर 8 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता ना ऊपर, मैं तो अभी नीचे था, क्योंकि बाहर इतनी कोई अखीर गर्मी है यार, इतनी गर्मी है, मुझे यहाँ के मौसम की बिल्कुल समझ नहीं आती भाई, मुझे अपने घर जाना है। वैसे गर्मी भी ओ, एक तो मेरी ये आदत जो है ना
क्या हुआ? अरे यार चला जाओ ऊपर लेके भाई, खुदा का वास्ता चल जा। अरे क्या है ये? ये देख, इस पे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कहाँ वाला? क्या? Stable with chilled water. ठंडे पानी में डालना। Stable, stable नहीं। Stable ही बोला मैं, stable। बस फिर इसको पढ़, इस जब कितना पानी डालेंगे भी नहीं पता। और भाई तू रहने दे इसको, देख शक्ल देख, मुझे देख के उल्टी आ रही है कसम से। ये गाढ़ा है, फिर जब वो हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भाई। भाई करें डाइल्यूट। यार अभी तो मुझे मराएगा कसम खुदा। डालो फिर। ना ना इसमें डाल। पानी मिक्स कर लेके, पानी डाल यार तू। इसमें पानी डाल के ना एक चम्मच मिक्स करके देख बस। ये जो जूस है ना, ये यहाँ के लोकल एक कज्जे बाबा जी ने दिया इनको, मतलब उसामा को रजे थे, नीचे घूम फिर रहे थे, उसने कहा ये लो बच्चों, मुझे तुम में अपने पोते की याद आती है। ओए होए लोग जाने में तुझे क्या बेचारे का डॉक्टर का बेचारे में तुझे गंदे वाला जूस पी लिया था, फिर भी सही है, फीका है अलग के बंदे पीले 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 सारा पिशाब। मैं आपको ये बता रहा था कि उसामा और अली असर नीचे रस्ते से जा रहे थे, एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि यार मुझे आप दोनों में अपने पोतों की शक्ल नजर आती है, तो उसने इनको ना ये जरा गिफ्ट कर दिया। अभी भाई मैंने पीकर देखा है, मतलब जायका इसका सही है, लेकिन मुझे इसकी स्मेल ही सही लग रही बस। ठीक है देखो आओ, जायका अच्छा है। एक गोट यार, एक गोट ये कभी घर में बैठ के नहीं पढ़ता, रस्ते में चलते चलते इसको पढ़ना याद आ रहा है। कभी घर में पढ़ लिया करो सर, कर लिया ठीक है। हमारे साथ चौधरी मोहम्मद फैसल साहब भी जा रहे हैं, लेकिन इनका पास है मॉड्यूल, पूरी यूनिवर्सिटी को जो है ना वक्त पड़े हुए, लेकिन चौधरी साहब जो है वो मजे में, क्योंकि पास ही हो गए ना। तो ये वाहिद बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, जिसके चार नंबर आए हैं पांच में से। A few inches later. देखो मेरी बात सुनो, आज पता नहीं कुछ चार से पांच जुम्मों बाद पहला जुम्मा आया जो हमने बिल्कुल टाइम पर पढ़ा, बल्कि पहले ही जाके बैठ गए थे, ऐसे ही है ना आज। माशाल्लाह आखिरी जुम्मा था ना, जुम्मतुल विदा, रमजान का आखिरी जुम्मा। हाँ ये एज यूजुअल हर जगह लेट, हर जगह लेट। मेरा ख्याल तू पहले भी लेट ही हुआ था, रात को 12 बजे में तो लेट ही पैदा हुआ है। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं है, आज हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मॉड्यूल लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पास हमने करना नहीं है, टेंशन लेके फायदा। आराम से जाएंगे, सर को सुनाएंगे, सर सर ने पूछना है, दो साल पूछने हैं, वाई एक्चुअली सर ने दो साल पूछने हैं, सॉरी सर, नेक्स्ट सर, सर ने कहना ओके अल्लाह हाफिज़। अली इतनान को भेज, अली इतनान आगे बदर महबूब को भेज दे, बदर महबूब फजल तारिक को भेज दे, फजल तारिक अलीका महबूब को भेज दे, बस भेजी जाए, बस भेजी जाए, 15 मिनट में सारा ग्रुप। सर की कॉल आई, कहते कि 2:15 पे आप लोग आ जाए ना, 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे मॉड्यूल लेके। उन्होंने कहा सर 15 मिनट की गेम है, 45 मिनट क्या करने हैं, आओ सुनाओ, नहीं आता ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। दबा दे वसीम की हो गया, तीसरा दबा दिया, वो पागल है, रनिंग कॉलेज में नहीं है, तीसरा मामा की तरह आ गया। कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी के लिफ्ट में बैठ के पहली दफा जाके? पहली दफा मतलब पहली दफा तेरी खैर, लेकिन इस दफा तो पहली दफा ही है ना। हां ये तो पहली दफा ही है, मजा आ रहा है। अब यहां जाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो किस्मत कहते हैं इसको, किस्मत याद है इंशाल्लाह। बस इसके बाद मेरी बारी है, बस एक बंदा अंदर गया, बस उसके बाद मैंने जाना, और समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं। सुना देना जो आता है वही सुना, टेंशन नहीं लेना, आते ही तो कुछ नहीं है यार। अब पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, मॉड्यूल वैसे मेरा हो गया, पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो मैंने सुना है ना, कम से कम पास तो हो जाना चाहिए। 5 नंबर होते हैं यहाँ पे ना, 5 नंबर में से नंबर लगते हैं आगे, 5 में से कम 3-3 वाला पास होता है, तो कम से कम 3 तो मैं डिजर्व करता हूँ सर, क्योंकि मैंने 10 में से तकरीबन 6 से 7 सवाल सही सुनाए हैं, बाकी 3 मुझे आए नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियाँ सर ने पूछी है ना, मैंने कभी जिंदगी में ना पढ़ी है ना सुनी है। सर से नंबर पूछने जा रहे हैं, सर ने पूरी यूनिवर्सिटी को नंबर नहीं बताया, इनको बताएंगे। जाओ जाओ, हम लोग सारे यहाँ बैठे हैं बेचारे, देखो वो बातें शाते कर रहे हैं, वो वहाँ बैठा पता नहीं किससे बातें कर रहा है, बैठा भी कैसे है, तरीका को बताना पड़ेगा।
तरीका देख लो, वो ऐसे बात कर रहा है नीचे आके, पता नहीं किससे बात कर रहा है, पता लगाओ जरा इंटेलिजेंस अपनी, जरा काम में लाओ, पता लगाओ क्या कर रहा है वो, किससे बात कर रहा है। सारी रात आप याद करते रहे बैठ के डर्मेटोवेनरोलॉजी का, और जुम्मे के लिए जब जा रहे थे जब भी याद कर रहे थे तो सर ने जब पूछा आपसे तो आपका क्या जवाब था? दो तीन क्वेश्चन तो आ गए। नहीं वो नहीं बोलना, जाने वाले उन्हें मिल लगा। अली भाई का जवाब मैं बताता हूँ क्या था, ये देखो अब लग जाएगा ना, अपने आप ही लगा दूँ मैंने एडिटिंग में यार। तन्ना नी नाने नानी नानू नानी नाने नाऊ खैर अभी हमने उसामा का वेट कर रहे हैं, उसामा दरअसल अपने बाल कटवा रहा है, पता नहीं क्या उसको अभी आफत आई है, मैंने अभी बाल कटवाने हैं, लगे कल भी कटवा सकता था आराम से, अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं, अब थके हारे बाहर बैठे हैं, यू नो दोस्त दोस्त तो फिर बाहर ही बैठेंगे। अरे भाई जल्दी तो नहीं जानेंगे आपको, आपने कौन सा हल चलाना जाके है ना। तो खैर आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में। अभी हमने अफ्तारी पर भी जाना है, मतलब एक जगह।